दोस्तों आपने पबजी तो जरूर खेली होगी, तो आपने जो है पबजी में प्रो प्लेयर भी हो सकते हैं। तो आपके मन में कभी भी ख्याल आए होंगे आप जो है पबजी को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं फेसबुक या फिर यूट्यूब में, तो आपके पास जो है पीसी नहीं है, तो आप जो है मोबाइल से ही लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आप जो मोबाइल से कैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं पबजी को यूट्यूब या फिर फेसबुक में। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँगी आप जो कैसे पबजी को यूट्यूब में या फिर फेसबुक में मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुबिंदु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगी प्ले स्टोर से, जिसका नाम है ऑमलेट आर्केड। आपको जो है प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लेनी है ऑमलेट आर्केड, इसको मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था। तो उसके बाद जो आपको ओपन कर लेनी है, और ओपन कर लेने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेनी है। आप कुछ भी एक आईडी देके जो है यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, आपकी जो भी नेम से जो भी आप आईडी क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर जो है आप क्रिएट कर लीजिए। मैं यहाँ पर सिंपल कुछ भी एक आईडी जो है जो खाली है यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। देखिए उसके बाद आप यहाँ से जो है जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं पिक्चर, या फिर आप अपनी पिक्चर अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर एक पिक्चर पर क्लिक करके जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्रिएट अकाउंट कर देनी है, और आपके अकाउंट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर आप स्किप कर दीजिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसको कट कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए गो लाइव, और गो लाइव में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन को अलाउ कर देनी है। अलाउ कर देने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देनी है, और यहाँ से जो आप जो भी गेम लाइव करना चाहते हैं लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो उसको जो आप सिलेक्ट कर लेना। आपके स्मार्टफोन में जो भी गेम इंस्टॉल रहेगी उसी गेम को जो है यहाँ पर दिखा जाएगी। तो अगर आपके स्मार्टफोन में फ्री फायर भी है तो आप फ्री फायर को भी जो है यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल पबजी मोबाइल लाइट को जो है यहाँ पर स्ट्रीम करके दिखा देती हूँ आपको। तो इसको आपको क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए आप कहाँ से मतलब फेसबुक या फिर यूट्यूब पर आप कहाँ लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो। तो ये मैं यहाँ पर सिंपल आपको यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करके दिखा देती हूँ। अब अगर फेसबुक में चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करके जो फेसबुक अकाउंट को जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना। मैं यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक करके यूट्यूब अकाउंट को जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेती हूँ, एक मेरे अकाउंट को जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेती हूँ। हेलो, अभी जो है मेरा यूट्यूब अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो गया। अभी बैकग्राउंड में जो है पबजी लाइट भी वहाँ पर ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यूट्यूब मेरा यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप अगर ऑमलेट आर्केड में भी अगर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो यहाँ पर जो आपको इनेबल कर देनी है, नहीं तो उसके बाद जो है यूट्यूब पे इनेबल करके नेक्स्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको टाइटल डालनी है, आप क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल पबजी मोबाइल लाइट जो भी है इसको रहने देता हूँ, आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं कुछ भी। और उसके बाद देखिए दोस्तों स्ट्रीम सेटिंग्स, इसमें आपको क्लिक करनी है, और क्लिक करने के बाद आप अगर कैमरे से छवि फोटोज अगर यहाँ पर वीडियोज दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑन कर दीजिए, फ्रंट या बैक यहाँ पर ऑफ रखिए, और माइक्रोफोन को अलाउ कर दीजिए अगर आप माइक्रोफोन की आवाज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको स्ट्रीमिंग क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेनी है। आप ऑटो पे रख सकते हैं या फिर आप 720p 480p या फिर 1080p भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 1080p यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर जो है वाटर मार्क आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर 720p पे जो है कर देती हूँ, सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीम नोटिफिकेशन डू नॉट डिस्टर्ब, अगर मोड आप चालू करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो आप सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं, जो भी आप स्ट्रीमिंग करेंगे वो जो है आपकी स्मार्टफोन की गैलरी में जो है सारे के सारे सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, बैक कर देनी है, और बैक करने के बाद यहाँ पर आप फिल्म वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर ओवरली। तो यहाँ पर आपको कुछ फ्री मिल जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सेल पे चल रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है क्रेडिट दे के खरीदना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल इसको चूज कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देनी है, स्टार्ट पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद कुछ परमिशन मांगे तो गो इट, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन कैप्चरिंग की जो है अलाउ कर देनी है। अभी स्टार्ट हो गया, अभी इसको जो है यहाँ पर आपको अलाउ कर देनी है। अलाउ कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो लाइव जो है अभी स्टार्ट हो गया। अभी जो आपकी जो गेमिंग है वो अभी लाइव होना स्टार्ट हो गया है यूट्यूब पे। तो आप जो है इस तरह से ही लाइव कर सकते हैं अपने पबजी या फिर आप फ्री फायर वगैरह को जो है आप फेसबुक या फिर
यूट्यूब पे स्मार्टफोन के थ्रू जो है आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो से सीख गए आप जो है पबजी को कैसे मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इस तरह से फ्री फायर को भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद है दोस्तों। पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना और इस वीडियो का हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।